दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से आप में से काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि जो ये डॉल्बी डिजिटल है, डॉल्बी एटमॉस है, इसमें क्या फर्क है। जो हम डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज में आजकल ये साउंड डिवाइसेस परचेज कर रहे हैं, उनमें हमें कौन सा परचेज करना चाहिए अपने होम यूज के लिए, या कौन सा किस पर्पज के लिए यूज आता है। और साथ में मेन क्वेश्चन जो था वो डॉल्बी डिजिटल एंड डॉल्बी एटमॉस में क्या डिफरेंस है जो एक पर्टिकुलर यूजर को महसूस होगा, वो भी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी करे मैं रजत रजत टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं और स्पीड से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डॉल्बी डिजिटल से। और डॉल्बी डिजिटल और कुछ नहीं, जिसका असली नेम AC3 है, डॉल्बी लैबोरेटरीज ने जो रखा था, जो मेन पेरेंट कंपनी है इनकी। अब एक्चुअल क्या है दोस्तों, जो आपको घरों में आप डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे पहले डीवीडी प्लेयर्स होते थे, अब तो बहुत ही कम हो गया है, सैटेलाइट टेलीविजन हो गया, आपका केबल हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, और इवन वीडियो गेम्स भी हो गया। और मैंने अभी आपको दिखाया था अपना अमेज़न फायर टीवी। ऐसे जो भी डिवाइसेस घर में आ रहे हैं, इसमें मेनली आजकल आपको डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट मिलेगा, जो कि AC3 का ही एडवांस वर्जन है। एंड दोस्तों, इसका मेन एम क्या है, आपको 5.1 चैनल्स ऑफ ऑडियो प्रोवाइड करेगा, एक सिनेमैटिक साउंड एक्सपीरियंस देगा घर पे बैठ के। दोस्तों, आप जानते हैं डॉल्बी डिजिटल जो है वो करता क्या है। तो दोस्तों, डॉल्बी वाले कहते हैं कि जो हमारा डॉल्बी डिजिटल साउंड कंप्रेशन फॉर्मेट है, या जो भी कोडेक कहना चाहे, इसमें मेनली क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है, हम कम डेटा में आपको एक अच्छा साउंड प्रोड्यूस करके देते हैं। अब ये कम डेटा कैसे करते हैं, तो सपोज करिए हमारे जो ह्यूमन ईयर है, वो हम कोई भी चीज सुनते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ नॉइज भी साथ में आती है उस साउंड में। तो ये लोग क्या करते हैं, उस नॉइज को या तो मास्क कर देते हैं किसी और साउंड से, या उसको एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे आपका साउंड एक्सपीरियंस जो होता है वो बेहतर हो जाता है। आपको एक ट्रू टू लाइफ सिनेमैटिक साउंड सुनने को मिलता है, और वो भी अप टू 5.1 चैनल ऑफ ऑडियो सिस्टम। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, डॉल्बी डिजिटल जो AC3 फॉर्मेट आता है डॉल्बी की तरफ से, उसका मेन एम है कि जो अमाउंट ऑफ डेटा है उसको रिड्यूस करके, यानी कि नॉइज को रिड्यूस करके, आपको एक थिएटर लाइक साउंड देने की कोशिश करी जाए। अब जानते हैं दोस्तों, डॉल्बी डिजिटल जो है और डॉल्बी एटमॉस में क्या फर्क है, और डॉल्बी एटमॉस एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों, जो डॉल्बी एटमॉस बनाया गया था वो मेनली बनाया गया था थिएटर्स के लिए, सिनेमास के लिए। तो दोस्तों, मेनली क्या था कि जो बंदा एक थिएटर एक्सपीरियंस लेता है, उसका साउंड एक्सपीरियंस अगर बेहतर होगा तो वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा मूवी से, और एक्चुअल मूवी में बना रहेगा, जिससे उनकी मूवीज का एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को आजकल आप देख रहे हो मोबाइल तक में ला दिया गया है, और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में, जबकि जो डॉल्बी एटमॉस है वो मेनली क्या करता है, जो आपके हाइट स्पीकर्स होते हैं, जो सिनेमास की छतों पे लगते थे सीलिंग स्पीकर्स, उनको एक डिपिक करता है जो नॉर्मल फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स होते हैं, जो अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स होते हैं, उनकी मदद से, ताकि जो साउंड बाउंस बैक करके सीलिंग से आता है और आपको एक सराउंड एक्सपीरियंस देता है, जिससे आपका एक जो मूवी देखने का एक्सपीरियंस है वो अलग ही लेवल पे चला जाता है। इसको डिपिक करके वो एक सराउंड साउंड प्रोड्यूस करके देता था आपको। अब दोस्तों, आजकल जो ये मोबाइल लैपटॉप और पता नहीं कितने कितने छोटे मोटे डिवाइस में, सब में आजकल डॉल्बी एटमॉस, थोड़ा सा महंगा कर दो, डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड कर दो उसको, आजकल ये ट्रेंड चल गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इक्वलाइजर की सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करके थोड़ा बहुत आपको वो एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल में वो जो डॉल्बी एटमॉस ये लोग कह रहे हैं वो आपको उन्हीं से मिल सकता है, जहां पर आपको या तो अपने घर में आप फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स लगा रखे हो, जो अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स हो, ताकि सीलिंग से जो म्यूजिक बाउंस बैक होकर आता है वो आपको एक सराउंड साउंड की फील देगा। अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा जो आप घर पे सेटअप कर सकते हैं, अगर आपको ट्रू डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस लेना है तो। और साथ ही दोस्तों, बताना चाहूंगा, बिना अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स के या ऐसी किसी टेक्नोलॉजी के, जो बिना बाउंस बैक सीलिंग से जो साउंड आता है उसकी मदद से जो एक एक्सपीरियंस होता है, हालांकि जो हाइट स्पीकर्स होते हैं सीलिंग स्पीकर्स, उनका परफॉर्मेंस तो मैच करना काफी हद तक मुश्किल ही है, बट डॉल्बी एटमॉस ने काफी हद तक उस लेवल को अचीव किया था, जिस वजह से ये टेक्नोलॉजी इतनी लाइमलाइट में आई थी। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी कि डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी डिजिटल या डिजिटल प्लस में से आपके लिए कौन सा बेहतर है, और मेनली आपको किस चीज में इसका एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर मिलेगा, क्या सेटअप करके आपको ज्यादा मिलेगा। और दोस्तों, जाते जाते मैं बताना चाहूंगा, जो डॉल्बी एटमॉस कुछ फोन्स में लिखा रहा है कि हेडफोन्स के थ्रू आप महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं,
तो वो कुछ हद तक डिपेक्ट करता है, बट मैं बताना चाहूंगा वो भी इक्वलाइजर की सेटिंग के थ्रू ही है। हालांकि आपको रियल अगर एक्सपीरियंस करना है तो आपको अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स चाहिए ही होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी डिजिटल में क्या फ़र्क है, और आई होप आप आगे से इस मामले में तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगी कि आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपको किस लेवल का एक्सपीरियंस दे सकता है अगर आप एक साउंड फ्रीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी कोई और डाउट हो, किसी और फॉर्मेट या ऑडियो कोडेक के बारे में जानकारी चाहते हो, आप DTS हाईफाई ऑडियो के बारे में जानकारी चाहते हो, या इनमें से किसी का और कंपैरिजन जानना चाहते हो, कोई और क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बेखटक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई कर दूंगा। आप DM भी कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल मैसेज करके भी आपकी कोई जो भी क्वेरीज है उनका रेजोल्यूशन दे दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।